अब बड़े ध्यान से अब आपको यह वचन समझना है कि परमेश्वर ने आपको पावर्स दी हैं, उसने आपको शैतान के ऊपर अधिकार दिया है, आपको ऐसी पावर्स दी हैं जिनसे आप फ्री हो सकते हो अगर आप उनको यूज में लाना जानते हो तो। हालेलुया। रोमियो 10 उसकी 10 आयत को हम पढ़ेंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। इंग्लिश में लिखा, फॉर विद द हार्ट मैन बिलीविथ अनटू राइटियसनेस एंड विद द माउथ कन्फेशन इज मेड अनटू सालवेशन। उसने कहा कि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। 4991 शब्द है यूनानी का, ग्रीक भाषा का, जिस ओरिजिनल भाषा में बाइबल लिखी गई है, जिसमें उद्धार का मतलब है सोटेरिया, जिसका मतलब है डिलीवर, हेल्थ, सालवेशन। कि उद्धार सिर्फ उसने आत्मिक उद्धार के बारे में नहीं लिखा। जिन लोगों को लगता है कि अगर आप बाइबल प्रीच करते हो तो आपको उद्धार के बारे में बताना है, उनको खुद ये मालूम नहीं है कि जो ओरिजिनल बाइबल है वो यूनानी भाषा में, ग्रीक भाषा में लिखी गई है। जब उस यूनानी भाषा में आप उद्धार शब्द को पढ़ते हो तो वो है सोटेरिया। सब कुछ आपके सामने है, कुछ भी ऐसा नहीं जो मैं अपने मन से बोल रहा हूं। ये ओरिजिनल भाषा का शब्द है सोटेरिया, जिसका मतलब है रेस्क्यू करना, जिसका मतलब है डिलीवर करना, फिजिकली भी, मोरली भी। यानी मोरली मतलब स्पिरिचुअली, किसी के पाप से उसका उद्धार करना, और फिजिकली मतलब तुम्हारे हीलिंग का, तुम्हारी दुष्ट आत्मा की डिलीवरेंस का, तुम्हारे फाइनेंस का। परमेश्वर ने एक वचन दिया है, उसने कहा सोटेरिया के लिए, यानी फिजिकल और मॉरल उद्धार के लिए, हेल्थ के लिए, सेविंग के लिए, अपने बचाव के लिए, तुम्हें अपने मुंह से क्या करना पड़ेगा? अंगीकार करना पड़ेगा। अब लोगों को यह मालूम नहीं कि कन्फेशन में कितनी ताकत है। फिर से वचन पढ़ेंगे, वो वाला लिखा विद द माउथ कन्फेशन, कि जो मुंह की कन्फेशन है, जो मुंह का अंगीकार है, फिर से पढ़ेंगे हिंदी में, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। आप जानते हैं बहुत से लोग दुष्ट आत्मा से फ्री क्यों नहीं होते? क्योंकि जब भी शैतान उन पर अटैक करता है वो शैतान की महिमा करना शुरू कर देते हैं। ये बहुत पुराना है, ये 35 साल से है, मेरी बुआ ने जादू टोना कर दिया था, ये उस वजह से है, शैतान बहुत देर से मेरी बॉडी के ऊपर है। उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार, और वचन दो धारी तलवार है। यीशु मसीह ने कहा अगर तू मेरी बातों को सुनेगा, अंदर बाहर आने वक्त तू ब्लेस्ड होगा, अगर तू मेरी बातों को नहीं सुनेगा तो श्रापित होगा तू अंदर आते वक्त और बाहर जाते वक्त। परमेश्वर ने कहा जो धन यहोवा तुम्हें देगा उसके साथ वो दुख नहीं मिलाएगा। आज लोग थोड़ा सा काम कर लें सोशल मीडिया के ऊपर, थोड़ा सा पैसा आ जाए, कैसे दुख भी उनको फॉलो करते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने कहा जो पैसा यहोवा तुम्हें देगा, जो बरकत यहोवा तुम्हें देगा, उसके साथ वो दुख कभी नहीं मिलने देगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा जब तू मेरे वचनों को सुनेगा और उसे मानेगा, धन्य होगा तेरा बैंक बैलेंस, धन्य होगा तेरा कठौती, तेरा खेत, तेरा काम, तेरे बच्चे, तेरी नौकरी, जो कुछ तू हाथ लगाएगा मैं उसे ब्लेस कर दूंगा। अब यहां पर क्या लिखा हुआ? उसने कहा अगर सालवेशन चाहिए तो मुंह का अंगीकार करना पड़ेगा। अब अंगीकार दो तरह का है, आपकी बॉडी, आपका जीवन, आपकी स्पिरिट, आपकी लाइफ जो पूरी है, सोल जो है, वो नहीं जानती जब आपके मुंह से कोई शब्द निकलता है। आपकी बॉडी, आपका जीवन ये नहीं जानता कि ये शब्द मजाक में बोले गए हैं, सीरियस होके बोले गए हैं, गुस्से में बोले गए हैं, खुशी में बोले गए हैं, खिंच के बोले गए हैं, गलती से बोले गए हैं, अनजाने में बोले गए हैं, या जानबूझ के बोले गए हैं। अगर आप बीमारी का कन्फेशन करते हो, कन्फेस करते हो, आप अंगीकार करते हो विद नेगेटिव, आपके जीवन को नहीं पता कि उसको रिजेक्ट करना है कि एक्सेप्ट करना है। सुनो मेरी बात, आप अपने पड़ोसी को बोलो तुम मिट्टी से बनाया गया है। आप मिट्टी से बनाए गए कि नहीं बनाए गए?
बाइबल कहती परमेश्वर ने आपको हाथ से गूंथ कर इसी मिट्टी से आपको बनाया है। अगर आज आप अपने घर में जाएंगे जहां मिट्टी होगी, वहां पर अगर आप कैक्टस लगा देंगे तो क्या आम उगेगा? आपको भूख लगी है, आप जो कुछ बोएंगे आप वो कुछ काटेंगे, आपकी भूख लगने का रिजल्ट ये नहीं होगा कि कैक्टस का बीज जो है वो आम के रूप में बदल हो जाएगा। जो कुछ आप मिट्टी में बोते हैं वो उगता है, और आपका जो शरीर है ये भी उसी मिट्टी से बनाया गया है। और जब आप वचनों को बोलते हैं, मैं मर गया, हाँ मैं बीमार हूं, मैं बहुत कमजोर हूं, सब कुछ बेकार है, मेरी लाइफ ही बेकार है, मेरी जिंदगी बेकार है, इससे अच्छा ये, अगर आप इन शब्दों को बोलते हैं, आपका शरीर, चाहे आपने मजाक में बोले हैं, चाहे खिज के बोले हैं, चाहे गुस्से में बोले हैं, आपका शरीर उन शब्दों को लेता है और उसी तरह की फसल को पैदा करता है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो पढ़े लिखे हैं, बहुत बहुत समझदार हैं, बहुत बहुत ईमानदार हैं, कभी किसी का नुकसान नहीं किया, कभी चोरी नहीं की, लेकिन अपने बिजनेस में कभी कामयाब नहीं हुए, क्योंकि जब भी बिजनेस पे बैठते थे तो उनकी आदत होती कई दुकानदारों की रोते रहना। तो जब भी किसी ने पूछा ना दुकान कैसा है, यार बड़ा बेकार है यार, मंदा बहुत है यार, लस्सी बोलते थे, लस्सी हो गया काम सर। और वैसे ही हुआ जैसे उनके मुंह से निकलता था, क्योंकि अगर उद्धार के लिए, हीलिंग के लिए, डिलीवरेंस के लिए तुम्हें मुंह से अंगीकार करना जरूरी है, तो शैतान को भी यह बात मालूम है कि बीमारी के लिए, बंधन के लिए, कर्जों के लिए इसी मुंह के अंगीकार को वो आपकी लाइफ के ऊपर कराएगा। मैं आपको ऐसे हॉलीवुड स्टार्स बता सकता हूं जिन्होंने सॉन्ग गाया, आई एम गोइंग टू हेल, मैं नरक जा रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, और थोड़े दिनों में बिना किसी बड़ी चीज के उनकी डेथ हो गई, बिना किसी रीजन के एक बड़ा हिट उनकी लाइफ में शैतान ने किया और वो मर गए। रीजन, उनके मुंह के निकले हुए शब्दों ने फलों को लेके आया। आप कलीसिया मेरे मुंह के शब्दों का फल हैं। मैंने बताया था कलीसिया हम डबल होने जा रहे हैं, ट्रिपल होने जा रहे हैं, बढ़ने जा रहे हैं, खुदावंद बड़े काम। ये क्या है? ये शब्द हैं, ये शब्द हैं जो हम अपनी एयर्स में, अपने एटमोस्फेयर में छोड़ते हैं। ये वर्ड्स हैं जो फलों को लेके आते हैं। ये जो वर्ड्स हैं विश्वास के, अंगीकार के, आपकी लाइफ में उद्धार को और सालवेशन को लेके आते हैं। आपके बच्चे जितनी मर्जी शरारत कर दें, कोई गलती कर दें, उनको अपने शब्दों से कभी भी श्रापित मत करें। कभी ना बोलें ये शैतान है, कभी ना बोलें ये बड़ा शैतान है, ये बड़ा दुष्ट है, ये बड़ा शरारती है। कभी भी अपने मुंह से अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, अपनी बॉडी को कभी भी श्रापित ना करें, क्योंकि वचन कहता है कि अगर तुम्हें उद्धार चाहिए, कौन से वाला उद्धार? सिर्फ आत्मा की बात कर रहा है वो? नहीं, वो आत्मा की बात नहीं कर रहा, वो सोटेरिया की बात कर रहा है। सोटेरिया का मतलब है उद्धार, फिजिकल भी, शरीर का भी, मोरल का भी, आत्मा का भी, हेल्थ का भी, सल्वेशन का भी, डिलीवरेंस का भी, शैतान से भी, पैसे की तंगी से भी, दुष्ट आत्मा से भी, बीमारियों से भी। अगर तुझे अंगीकार करना करेगा तू, तो तू बीमारियों से आजाद होगा। कि अगर तू अंगीकार करेगा, परमेश्वर कहता है मैं तुझे डिलीवर करूंगा और मैं तुझे आजाद कर दूंगा। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? तो दुष्ट आत्मा से डिलीवरेंस के लिए और अपनी लाइफ में अगले लेवल पे जाने के लिए आपको ये बात समझ में होनी चाहिए कि मुझे कौन से शब्दों का प्रयोग अपनी लाइफ के ऊपर करना है। कैसे वो शब्द हैं जो मुझे अपनी लाइफ के ऊपर रिलीज करने हैं? जैसे शब्द आप रिलीज करेंगे, वैसा फ्यूचर आप आने वाले समय में अपनी लाइफ पर, अपनी फैमिली में आप देखेंगे। क्योंकि बाइबल कहती है आप परमेश्वर की समानता में बनाए गए हैं। लोग बोलते हैं कि आपकी जुबान, हाँ दिन में 24 घंटे में कभी कभी सच हो जाती है, वो कभी कभी सच नहीं होती। बाइबल कहती है आप परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। अगर आप बोलेंगे, अगर आप अंगीकार करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप में बनाया, और परमेश्वर ने सारी चीजों को मुंह के अंगीकार से बनाया कि आसमान बन जाए, धरती बन जाए, सिर्फ इंसान को उसने हाथों से गूंथ कर बनाया, बाकी सारे चीजों को शब्दों से बनाया। और परमेश्वर ने कहा मैंने इंसान को अपनी तरह बनाया है, इंसान को शब्दों से नहीं बनाया, इंसान को मैंने अपने हाथों से बनाया है,
ताकि इंसान के पास ये पावर हो। अब टेंट जो परमेश्वर के शब्द से बना है, लेकिन ये अगली चीज को नहीं बना सकता, ये खुद बना हुआ है। इसीलिए परमेश्वर ने आपको शब्दों से नहीं बनाया, आपको गूंद के अपने जैसा अपनी आत्मा देके बनाया कि ताकि जो कुछ आप पैदा करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, आप उसका अंगीकार करें, आप उसको बोलें और वो पैदा हो। आज के बाद आपका अंगीकार अगर पॉजिटिव है, अगर आप अंगीकार कर रहे हैं कि आपका बिजनेस ब्लेसिंग की ओर जा रहा है, आपकी फैमिली ब्लेसिंग की ओर जा रही है, आप अपने रिश्तेदारों में फर्स्ट होंगे जो ऐसी चीजें करेंगे जो पहले कभी नहीं हुई, आपकी बरकत आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। मैंने कहा आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? आपका अंगीकार आज से मसा हो जाए, जीभ मसा हो, होंठ मसा हो, आमीन ऊंचा, ये बरकत आपकी है। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? आपके वर्ड्स पावर रखते हैं बिगाड़ने की बनाने की। सबसे बड़ा धोखा जब शैतान आपको देता है ना, वो आपको बताता है तू काला है, तू गिट्ठा है, तू छोटा है, तू लंबा है, तू मोटा है, तू पतला है, तेरी आंख छोटी, तेरी आंख, सबसे बड़ा धोखा है ये आपकी लाइफ में। क्या कहीं आपने ऐसे व्यक्ति नहीं देखे जो सुंदर नहीं है, लेकिन उनकी वाइफ जो सुंदर है उनसे भी अधिक सुंदर है? देखे कि नहीं देखे? क्या आपने ऐसे व्यक्ति नहीं देखे जो दिखने में अच्छे नहीं, लेकिन उनकी बरकतें उनसे कहीं अधिक हैं जो दिखने में अच्छे हैं? देखे कि नहीं देखे? एक लड़की अपने सहेलियों के पास गई और वो पानी में पैर डाल के बैठे थे सभी सहेलियां। तो जब सभी पांव डाल के बैठी थी, टांगे उनकी पानी में थी, तो जो सहेली दूर से आई थी उसने अपने पैर जब निकाले तो सारी अपने पैर को देखे खुश हो रही, सबके पैर बड़े सुंदर थे, उसके पैर थोड़े क्रूप थे, मोटे मोटे थे, गंदे गंदे से थे। तो उसने अपने पैरों को कहा, ओह मेरे पैर कितने गंदे हैं, मेरे पैर कितने मोटे हैं, आई हेट माई फुट, मैं अपने पैरों से नफरत करती हूं। जब बड़ी हुई पैरों का रोग हो गया, अर्थराइटिस हो गया, चलना मुश्किल हो गया, दवाइयां काम नहीं कर रही, भाई साहब डॉक्टर इलाज कर करके थक गए। एक परमेश्वर का दास उनके घर में आया, प्रेयर हुई तब भी हीलिंग नहीं हुई। तो परमेश्वर की आत्मा ने उस दास से बात की कि इसको बोल कि क्या इसने कभी अपने पैरों को श्रापित किया था अपने मुंह से? तो उसने कहा कि हाँ, मैं अपनी सहेलियों के घर जाती थी तो हम नदी में पांव डालकर हम बैठती थी, और वहां पर जब मुझे पांव निकालने पड़ते थे, जुराबे उतारनी पड़ती थी, तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती थी और मैं अपने पांव के लिए बड़ा इसको गालियां निकालती थी पांव को कि मेरे पांव कैसे हैं। और उसी पांव की बीमारी के साथ वो सारी उम्र ग्रसित रही, जब तक उसने अंगीकार नहीं किया कि पिता इन पांव के लिए मैं तेरा शुक्र करती हूं, जो कुछ तूने मुझे दिया मैं उसके लिए तेरा थैंक्स करती हूं। वो पांव उसी वक्त हील हो गए, चलना शुरू कर दिया, रिकवरी होनी शुरू हो गई, पूरी तरह से हील हो गई। रीजन, मुंह का अंगीकार। इसी मुंह के अंगीकार से प्रभु आपको छुटकारा देगा और इसी मुंह के अंगीकार से शैतान आपको फंसाएगा। अब आप देख लो आपके मुंह का अंगीकार किस रीति का होना चाहिए। आपका अंगीकार हीलिंग के लिए आपको चाहिए या आपका अंगीकार आपको बीमारी के लिए चाहिए? आप जैसा अंगीकार करेंगे वैसा आपकी लाइफ में होने वाला है। वो लोग दुष्ट आत्मा के इन्फ्लुएंस से, दुष्ट आत्मा के अटैक से कभी आजाद नहीं होते जो लोग दुष्ट आत्मा के बारे में ज्यादा बात करते हैं, जो लोग वचन के बारे में बात नहीं करते। कि बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने शैतान के ऊपर मुझे अधिकार दिया है, भजन संहिता 91 उसकी 13 आयत को पढ़ेंगे। 13 आयत से पहले मैं चाहता हूं एक आयत को हम पढ़ें। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। इस भजन संहिता में जितने वायदे हैं इस बात पर निर्भर करते हैं कि आप लोग भजन संहिता की पहली आयत में हैं या नहीं। तो पहली आयत कहती है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। छाए हुए स्थान में बैठने का मतलब है उसकी प्रेजेंस में, उसके दिए हुए स्थान में, जो सेवा का स्थान उसने दिया है, जो विश्वासी होने का स्थान उसने दिया है, उससे हटना नहीं चाहे मौत भी आ जाए। अगर आप उस स्थान पे बैठे हैं तो 13 आयत में लिखा है तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान शेर और अजगर को लताड़ेगा। किसके लिए लिखा है? जो बैठने वाले हैं, वो नहीं जो विस्तर की तरह आए हैं हीलिंग के लिए।
कि अगर हीलिंग मिल गई 7 हफ्तों में तो चर्च आएंगे, नहीं तो हम एक और बाबा के बारे में हमें मालूम हुआ है हम उसके पास चले जाएं। परमेश्वर ने कहा जो उसके छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा, यशब यानी उसके स्थान में बैठे रहना। कौन सा स्थान? एक विश्वासी होने का स्थान, कि जब आपके घर में दुख आए, रुकावट आए, सताव आए, तो अपने विश्वासी होने का स्थान अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो बाइबल कहती, फिर वचन कहता है तू शेर और नाग को कुचलेगा, तू जवान शेर और अजगर को लताड़ेगा, तू पुराने पुराने शैतान को जो 35-35 साल के जादू वो टोने तो उनको अपनी लाइफ से तोड़ के फेंक देगा। तू शैतान को लताड़ेगा, अजगर को लताड़ेगा, यानी तू जादू को, टोने को, शैतान को, उसके सारे किंगडम को अपनी लाइफ से उखाड़ के फेंक देगा। 14 आयत में लिखा, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसको उसकी सुनूंगा, संकट में उसके संग रहूंगा, उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। परमेश्वर ने कहा जिसने मुझसे प्यार किया है मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको डिलीवर करूंगा, मैं उसको आज़ाद करूंगा। जिसने प्यार किया है, लोग रोज़े रखते हैं लेकिन प्यार नहीं करते, जब रोज़ों के बाद असर नहीं होता रोज़े रखने बंद कर देते हैं। लेकिन अगर आप प्यार करेंगे परमेश्वर से, उसका वायदा है कि वो आपको डिलीवर करेगा, वो आपको फ्री करेगा शैतान के हर एक किंगडम से, उसकी सारी बीमारियों से। ऊंची आवाज में बोलो आमीन। अंगीकार करना आपकी लाइफ में बहुत बहुत जरूरी है। आप जानते हैं इंग्लिश के जब वर्ड्स बच्चे बोलते हैं तो हम उनको बोलते हैं बेटा स्पेलिंग सुनाओ, कैट के बैट के स्पेलिंग बताओ। आप जानते हैं स्पेल का मतलब है जादू, स्पेल का मतलब है स्पेल करना, जादू करना, टोना करना, और स्पेलिंग यानी आपका जो मुंह है वो एक या तो जादू की तरह काम करता है या तो हीलिंग प्रेयर की तरह काम करता है। अगर आप ऐसे लोगों के पास जाएंगे जो लोग दुष्ट आत्मा से भरे हुए हैं, जो लोग बाबाओं के तांत्रिकों का काम करते हैं, हमेशा वो अपने शब्दों का प्रयोग करते हैं। शैतान उनके शब्दों को लेता है और लोगों के ऊपर कर्ज को रिलीज करता है। और परमेश्वर ने कहा अगर तुम्हें उस कर्ज से फ्री होना है और दुष्ट आत्मा से आजाद होना है तुम्हें भी अपने शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा। याकूब के घराने पे जादू नहीं चलता। आप याकूब का घराना है और सारे जादू आज ब्रेक हो रहे हैं, सारे टोने आज ब्रेक हो रहे हैं। आमीन। ऊंचा ये बरकत आपकी है। हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो एक बार, फिर से बोलो 3 बार हालेलुया बोलो। आमीन आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो तेरा अंगीकार कैसा होना चाहिए, बोलो वचन वाला होना चाहिए, स्पिरिचुअल होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि तेरा जीवन नहीं जानता कि वो नेगेटिव शब्द मजाक में बोले गए हैं, गुस्से में बोले गए हैं, जाने में बोले गए हैं या अनजाने में बोले गए हैं। हालेलुया। अपने शरीरों को अब्यूज करना बंद कर दो, अपने बिजनेस को गाली देना बंद कर दो, नेगेटिव अंगीकार सारे बंद कर दो, नहीं तो कोई भी प्रेयर और आमीन बोलना आपको छुड़ा नहीं पाएगा अगर आपका शब्दों के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है। तो गाली निकालना हर बात पे, छोटी छोटी बात पे गालियां निकालना, कभी ये लोग दुष्ट आत्मा से फ्री नहीं हो पाते। बीमारियां हमेशा इनकी लाइफ में रहेंगी, आप नोटिस करके देखना। जो लोग छोटी छोटी बातों पे गालियां निकालते हैं आप नोटिस करना, हमेशा अलग अलग तरह के बंधन और बॉन्डेजेस उनकी लाइफ में हमेशा होते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको पावर दी है, उस पावर का आप मिसयूज भी कर सकते हैं। बोलो खुदावन मैं अंगीकार करूंगा लेकिन सही वाला अंगीकार करूंगा। आमीन। आप सही वाला अंगीकार करेंगे, आप करते रहेंगे, आप बोलते रहेंगे, शैतान का अटैक, उसकी पावर आपकी लाइफ पर से कम होती जाएगी। 1 शमूएल 16 उसकी 23 आयत में लिखा है, और जब जब परमेश्वर की ओर से दुष्ट आत्मा शाऊल पर चढ़ता था तब तब दाऊद वीणा लेकर बजाता और शाऊल चैन पाकर अच्छा हो जाता था, वह दुष्ट आत्मा उस पर से हट जाता था। बाइबल कहती जब शाऊल परमेश्वर की आज्ञा से हट गया तो एक दुष्ट आत्मा उस पर चढ़ता था, तो किसी ने
उसके टीम में से बताया कि अगर कोई वर्शिप करेगा और अगर तू किसी अच्छे बजाने वाले को लेके आएगा और वो वर्शिप होगी, तो जब वर्शिप हुआ करेगी दुष्टात्मा तेरे पर से हट जाया करेगा। और बाइबल कहती है दाऊद को वो लेके आए। अब सिर्फ साज बजाने का काम नहीं था, दाऊद एक वर्शिपर था। हम जानते भजन संहिता 150 में से कितनी जो हैं वो दाऊद ने लिखी हैं। वो एक रियल वर्शिपर था। बाइबल कहती है दाऊद कहता है मैं दिन में 7 बार तेरी स्तुति करूंगा। वो लोग जानते थे कि वर्शिप करने से दुष्ट आत्मा का जो अटैक है वो खत्म होता है। पौलुस और सिलास भी ये बात जानते थे, और इसीलिए बाइबल कहती है पौलुस और सिलास जब आराधना कर रहे थे, परमेश्वर ने आधी रात को दूतों को भेजकर उस जेल से उनको छुड़ा लिया था जहां वो बंधे हुए थे, पैरों को काठ में ठोका हुआ था। क्योंकि तो बाइबल कहती है जो वर्शिप है वो आपकी लाइफ में छुटकारे को लेके आती है। मुझे दया आती है उन लोगों के ऊपर जो घर से निकलते भी हैं संडे, किराया भी उतना ही लगता है। ये नहीं कि अगर तुम 10 बजे नहीं आओगे 12 बजे चर्च पहुंचोगे तो किराया आधा लगेगा, उतना ही किराया दे के वो आते हैं लेकिन वर्शिप मिस कर जाते हैं। और इसीलिए उन्हें ये मालूम नहीं कि वर्शिप का आपकी लाइफ में कितना बड़ा महत्व है। बाइबल कहती है जब दाऊद वीणा लेकर वर्शिप करने लगता था तो शाऊल पर से दुष्ट आत्मा हटता था और वो चैन पाकर अच्छा हो जाता था। और कितने लोग हैं चर्च में जो वर्शिप की वैल्यू को समझते हैं। आज अगर अभी वर्शिप शुरू करूंगा कई लोग प्रेयर करना शुरू कर देंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि परमेश्वर की प्रेजेंस उन्हें महसूस होना शुरू हो जाती है। वो प्रेयर करने लगते प्रभु जी मेरे गर्भ नु खोल दो, वो वर्शिप का समय है। बाइबल कहती है अगर तुम रूह और सच्चाई से उनकी वर्शिप करोगे तो ऑटोमेटिकली जो डिलीवरेंस है तुम्हारी लाइफ में एंटर करना शुरू कर देगा। ऑटोमेटिकली शैतान आप तुम्हारे जीवन से जाना शुरू कर देगा। अपने घरों में एक सिस्टम बनाओ, एक रूल बनाओ, आपके टीवी के ऊपर वर्शिप लगी रहनी चाहिए। जब आप जा रहे हैं खाना बना रहे हैं आप वहां प्रेयर तो नहीं कर सकते लेकिन आप वर्शिप कर सकते हैं। आप गाड़ी में जा रहे हैं आप वर्शिप कर सकते हैं, साइकिल पे जा रहे हैं, बाइक पे जा रहे हैं आप वर्शिप कर सकते हैं, आप मुंह से बोल सकते हैं। क्योंकि शैतान खुद एक वर्शिपर था और उसे मालूम है वर्शिप करने की ताकत और वर्शिप करने से जो छुटकारा लोगों की लाइफ में आता है। और बाइबल कहती है शाऊल जब फंसा हुआ था वर्शिप की जब सुनता था और वर्शिप की जाती थी, लिखा दुष्ट आत्मा उस पर से हट जाया करता था। हालेलुया। आज जब वर्शिप शुरू होती है आप लोग क्या करते हैं, आपको परमेश्वर की प्रेजेंस महसूस होती है, आप प्रेयर करना शुरू कर देते हैं। वो प्रेयर करने का समय नहीं, 100 में से 1 समय ऐसा आता है कि जब वर्शिप में आपको मालूम होता है कि परमेश्वर आपको प्रेयर करने के लिए बोल रहा है, लेकिन वर्शिप करने के दौरान आप वर्शिप करेंगे, पूरी मीटिंग अटेंड करेंगे, वर्शिप पूरी अटेंड करेंगे ताकि शैतान के बंधन आपकी लाइफ को छोड़ के जाएं और आप अगले लेवल के लिए तैयार हो सकें। आमीन। ऊंचा ये बरकत आपकी है।